तो कहाँ गिरा है, कुआं कहाँ है? कुआं एक बार अपना नाम पता बता दीजिए। हाँ, ये युवराज, हम लोग, मेरा नाम युवराज सिंह है। अच्छा। और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। आज ये कॉलेज भी नहीं, मैं दरअसल मैं स्कूल के जाने के लिए तैयार था, तब तक मैं फोन लगाया, उठ गया, तो फिर मैं सोचा कि अब क्या स्कूल जाना, जब आ ही रहे हैं, आप ही आ रहे हैं, तो फिर स्कूल नहीं। गाँव का नाम क्या है? गोपालापुर। और थाना कौन सा? थाना महाराज डिस्ट्रिक्ट। मैं कल सुबह उठा, मशीन चलाने के लिए गया तो देखा लपेट लिया था पूरा कुआं। अच्छा, ये कब से गिरा है? ये कल सुबह, कल रात को हो गया। तो चलिए दोस्तों, निकाल के दिखाते हैं सांप है कौन सा, और आप नजर जमा रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों, काफी पुराना कुआं है और उसी के अंदर एक सांप गिरा है, कल नहीं परसों से लगभग। जी, रात के अंधेरे में देखना है दोस्तों कि कैसे क्या है, मौके पे लेके चलते हैं। चलिए चलिए, फिर चलिए। वो गलती से उसके पानी में भी कूद सकता है। देखिए वो है कहाँ, वो नहीं पता है। अच्छा, पूरा हट गया है वो, तो नहीं टूटेगी? नहीं नहीं, चलिए अभी तुम शांत हो जाओ। बिल्कुल आवाज नहीं आई थी, अब हम शुरू करते हैं काम। बंद कराइए, बंद बंद कर। देखिए बंद कर, देखिए क्या है, कुंडियों की गई है लॉक। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे भारत का एक ऐसा कुआं है जो काफी पुराना है। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे पंछी होते हैं जो कुएं के अंदर बैठते हैं। उन तमाम पंछियों में खास करके दोस्तों कबूतर होती है, जिसको हम पिजन कहते हैं। उसका एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एग, अंडा भी रखा हुआ है, और ये बगल में कबूतर बैठी हुई है। इसी के जस्ट बगल में हमारे भारत का एक ऐसा सांप इंडियन रॉक पाइथन बैठा हुआ है, शायद इसको आप जानते होंगे, जिसको हमारे गांव में चित्तैड़ या तो चीतर के नाम से भी जानते हैं, और कहीं कहीं पर दोस्तों इसको चित्तैड़ कहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी शांति बनाकर यहाँ बैठा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे धीरे धीरे निकालने का प्रयास करेंगे यहाँ से। ये शांति बनाइएगा, और क्या कर लगी था? ये बात बोले लग्गी में भैया वो लगा होगा ना उसके, उसको उठाने से कट सकता है, उसमें थोड़ा सा लकड़ी लकड़ी वाली। अच्छा, तब सर लपेट रहती है ताकत बहुत लगी भैया, बहुत वजन है।
जब कहाँ तब अभी रुक जा लगा नहीं नूर रहा उस बार जा सनी भी तू वहीं पकड़ा छोड़ दे काफी बड़ा थोड़ा दूर चलिए दोस्तों, इसकी पूरी लंबाई हमारे भारत में 18 से 20 फीट के आसपास होती है। भूख ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर भूख न होती तो कहाँ इसको मारता। मालिक दोस्तों इनकी आत्मा को शांति दें, वही ऊपर वाला है बचाने वाला और वही मारने वाला है। इंसान किसी में कोई गलती नहीं होती। यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इसको बचाने के लिए हमको याद किया। चलिए इसको यहाँ से लेकर चलते हैं काफ़ी दूर। बगल में दोस्तों परिवार रहता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर रिलीज़ करना है, छोड़ देना है।
मोहब्बत से जहाँ पर यह बची हुई ज़िंदगी का अपना गुजर बसर कर सके। अगर ये कुएं में रहता तो मर जाता। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस वीडियो को बनाने में हमारा कोई मकसद नहीं, बस एक संदेश के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं कि आप भी बेजवानों को बचाने में हमारी हेल्प करें। अब इसको हम पैक करते हैं। दोस्तों ये काफी आक्रामक होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इन सब बातों के साथ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और दोस्तों चलते चलते एक चीज कहना चाहूंगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरा काम। कहीं त्रुटियां होती हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। काम है थोड़ा खतरनाक है, इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा। ये काम दोस्तों हर कोई नहीं कर सकता है, जो थोड़ा एक्सपर्ट होता है वो कर सकता है। इंसान वही जिसके अंदर इंसानियत है, तो जीने का मकसद होना चाहिए। एक बार धरती के ऊपर आए हैं, मालिक की मेहरबानी है कल इसी धरती के नीचे। दोस्तों आज मिट्टी के ऊपर, कल मिट्टी के अंदर। सही भैया जी, कुछ अच्छा करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भैया इससे एक काम कीजिए, फावड़ा अगर होना है तो इसको।